विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अशोक बरा आपके अपने स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद गोरा सर में। गोरा सर के इस चैनल में आप लोग आज का टॉपिक हम लोग सीखेंगे कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस से आप लोग सामान्य तौर पर परिचित हुए होंगे। कंडीशनल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल मतलब यह हो गया शर्त वाले वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस का जो कुछ भाग है, कुछ जो पार्ट है, उसको हम लोग क्लॉजेस कहते हैं। क्लॉजेस का मतलब क्या होता है? खंड या उपवाक्य। किसी वाक्य का ही एक हिस्सा जो उस वाक्य की पूर्ति को पूर्ण करता हो, उसे कंडीशनल क्लॉजेस कहेंगे। क्लॉजेस मतलब होता है खंड या वाक्य। एक सेंटेंस सामान्य तौर पर होता है तो सेंटेंस का कुछ हिस्सा जिसमें कंडीशन रखी जाती हो, उसी के आधार पर इसे कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल क्लॉजेस कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो टॉपिक प्रारंभ करने से पहले आप ही के अपने चैनल गोरा सर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कंडीशनल क्लॉजेस की जनरल हम लोग चीजें बातें हम लोग देख लेते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस से तात्पर्य क्या हो गया? शर्त वाले उपवाक्य या शर्त वाले खंड या उपवाक्य। वाक्य में सामान्य तौर पर जो है हम लोग देखते हैं कि एक मेन क्लॉज होता है, मुख्य क्लॉज, और दूसरा जो है उसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। सबॉर्डिनेट क्लॉज से क्या तात्पर्य होता है? मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज से तात्पर्य होता है मेन क्लॉज, यानी जिसमें दोनों में हालांकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होंगे, लेकिन एक जिसका अर्थ पूर्णता अपने आप में पूर्ण हो जाता है वो तो है मेन क्लॉज। और सबॉर्डिनेट क्लॉज का अर्थ क्या होता है? आश्रित वाक्य। तो आश्रित वाक्य से तात्पर्य क्या हो गया? वाक्य का वो हिस्सा या उपवाक्य या वो क्लॉज जिसको उसका अर्थ जानने के लिए उसके मेन क्लॉज के ऊपर वाक्य के दूसरे हिस्से पर उपवाक्य के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उसी को बोलते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज जो स्वयं है, कंडीशनल क्लॉज जो आपके इसके स्वयं के दो पार्ट हैं, एक तो आपके मेन क्लॉज और दूसरा जो है आपके कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज से तात्पर्य क्या हो गया? कंडीशनल क्लॉज जो है सामान्यतः एक सामान्य कोई भी सेंटेंस जैसे हम लोग लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो तो तुम उत्तीर्ण हो जाओगे। एक ये पार्ट है इफ यू वर्क हार्ड, और दूसरा ये वाला जो क्लॉज है यू विल गेट सक्सेस। यू विल गेट सक्सेस अपने आप में पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो ये तो हो गया आपके मेन क्लॉज। और ये सबॉर्डिनेट क्लॉज किस क्यों हुआ? इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करते हो, यदि से तात्पर्य क्या हो गया? ये आप उसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए उसके दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो इसी वजह से यह है सबॉर्डिनेट क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉजेस या सबॉर्डिनेट क्लॉजेस सामान्य पॉइंट कंडीशनल सेंटेंसेस आपके मुख्य तौर पर तीन प्रकार के हैं कंडीशनल क्लॉजेस। पहले जिनके प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन यानी संभाव्य शर्त। प्रोबेबल कंडीशन संभाव्य शर्त, किसी भी प्रकार के काम के होने की संभावना हो तो उसे संभाव्य शर्त कहते हैं। दूसरा आपके प्रकार जो है वो है इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन कह लीजिए, इमेजिनरी कंडीशन भी कहा जा सकता है इसको, इम्प्रोबेबल कंडीशन असंभाव्य शर्त। और तीसरा जो प्रकार है वो है आपके इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव, जिसमें वास्तव में शर्त जो है पूर्ण होने की संभावना नहीं, असंभव शर्त। तो तीन प्रकार के हैं प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और इम्पॉसिबल कंडीशन। अब इन तीनों ही प्रकार के वाक्यों के आधार पर जो है कंडीशन की शर्तें भी तीन प्रकार के हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी एक तो इफ वाला क्लॉज यानी सबॉर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा जो इसके पैरेलल चलेगा वो होगा आपके मेन क्लॉज, मुख्य क्लॉज, जो अपने आप में जिसका अर्थ पूर्ण हो उसको अर्थ के लिए दूसरे वाक्य के हिस्से पर निर्भर नहीं रहना पड़े। जो निर्भर रहता है वो तो है सबॉर्डिनेट इफ वाला क्लॉज और दूसरा जो है आपके मेन क्लॉज। अब सबसे पहले शर्त कहती है प्रोबेबल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन क्या कहती है कि यदि इफ के साथ वाले क्लॉज में, यानी इफ वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस से तात्पर्य क्या हो गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर सब्जेक्ट शून्य है तो एस या ईएस लगता है,
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। तो इसके तरफ जो दूसरी तरफ आपके इसके पैरेलल सेंटेंस चलेगा मेन क्लॉजेस में आपके सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी क्या हो जाएगा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाएगा। कंडीशन टाइप फर्स्ट क्या कहती है, यदि इफ वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस है तो दूसरी तरफ जो आपके मेन क्लॉजेस वाला वाक्य होगा उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस होगा यानी विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कंडीशन टाइप फर्स्ट। अब दूसरा जो है कंडीशन टाइप सेकंड। कंडीशन टाइप सेकंड जो है उसमें आपके क्या होगा, इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन से तात्पर्य क्या हो गया, यदि if वाले क्लॉजेस में आपके past verb यानी simple past tense हो, verb के अगले अगले तरह से भी देख लेते हैं बीच में, verb जो है सामान्य तौर पर आपके form कौन कौन सी होती है, verb की first form, second form, third form और ing form, जो fourth form है, तो first form को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है, present form, सेकेंड फॉर्म को कहा जाता है पास्ट फॉर्म और थर्ड को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ जो है वो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यदि सेकेंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देख ली कि प्रेजेंट फॉर्म हो सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस है इफ वाले क्लॉज में तो दूसरी तरफ रहेगा विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड कंडीशन कहती है कि इफ वाले क्लॉज में यानी पास्ट फॉर्म हो यानी सिंपल पास्ट टेंस हो यानी के वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव होने की अवस्था में क्या होता है, टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उसके जो पैरेलल मेन क्लॉजेस होगा उस मेन क्लॉजेस में आपके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, ये कंडीशन टाइप सेकंड है जिसे इम्प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। दो कंडीशन देखी हमने। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन कहती है कि यदि इफ वाले क्लॉज में पास्ट पार्टिसिपल हो, कौन सी पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल से तात्पर्य हो गया यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस से क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस मींस हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दूसरी तरफ जो इसके मेन क्लॉज होगा इसके जो पैरेलल चलेगा उसमें आपके वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, तो ये जो तीन कंडीशन, पहले एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले जो प्रोबेबल कंडीशन है, प्रोबेबल कंडीशन कहती है कि यदि आपके इफ वाले क्लॉजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस तो इसके पैरेलल जो मेन क्लॉजेस होगा उसमें आपके सिंपल फ्यूचर रहेगा यानी विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जो है सिंपल रूल कहता है, सेकेंड कंडीशन है कि यदि आपके इफ वाले क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दूसरी तरफ आपके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तीसरी जो इम्पॉसिबल कंडीशन है वो कहती है यदि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी के हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ वाले क्लॉज में है तो दूसरी तरफ आपके वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इन तीनों को की हम लोग बातों को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि जैसे हम लोग कोई भी एग्जांपल लेते हैं, इफ वाले क्लॉज का लीजिए, जैसे इफ शी कॉल्स मी I will yourself go there. If she call me, I shall go there. Condition type first. Verb की first form उसके साथ ऐसे yes का प्रयोग किया गया क्योंकि subject singular है। तो condition type first probable condition. If के साथ वाले clause में simple present tense आता है तो I will go there. Will या shall plus verb की first form का प्रयोग किया जाएगा। यदि वो मुझे call करती है तो मैं वहां जाऊंगा। दूसरा इम्प्रोबेबल कंडीशन, उसमें क्या हो जाएगा, इफ वाले क्लॉज में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, इफ शी कॉल्ड मी आई वुड गो देयर। ठीक है,
सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि यदि आपकी इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है तो दूसरी तरफ जो इसके पैरेलल सेंटेंस चलेगा उसमें आपके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और थर्ड कंडीशन का सेंटेंस जो इम्पॉसिबल कंडीशन है वो कहती है कि इफ शी हैड कॉल्ड मी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो दूसरी तरफ जो पैरेलल सेंटेंस चलेगा उसमें होगा I would have gone there। कंडीशन टाइप थर्ड कहती है कि यदि इफ के साथ वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ आपके वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब इनके अर्थ को भी, हिंदी के वाक्यों को अर्थ समझ लीजिए, आपकी लोकल जो मातृभाषा उसमें भी समझ लीजिए। इफ शी कॉल्स मी, यदि वो पुकारती है बुलाती है मैं जाऊंगा, ताहती है और गागेगी सिंपल फ्यूचर टेंस है। यदि मुझे पुकारती बुलाती सिंपल पास्ट टेंस है तो मैं जाता, जाऊंगा नहीं, जाता वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यदि वो पुकार चुकी होती, यानी वो बुला चुकी होती या कॉल कर चुकी होती तो आई वुड हैव गॉन देयर, मैं भी जा चुका होता। तो ये तीन प्रकार से सामान्य तौर पर जो है प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल कंडीशन के सेंटेंसेस। अब ये जो सेकंड प्रकार हम लोगों ने देखा था जिसमें सामान्य तौर पर इम्प्रोबेबल कंडीशन है, इम्प्रोबेबल कंडीशन में एक और देख लेते हैं कि यदि आपके वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस हो, वर्ब प्लस किस प्रकार के सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस हो, तब उस अवस्था में आपके इफ वाला जो क्लॉज होगा उसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके बाद जो है सामान्य तौर पर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। इफ सी वर्ब कह लीजिए, इफ आई वर्ब कह लीजिए, और दूसरी तरफ जो सेंटेंस होगा उस समय आपके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। यानी सामान्यतः हम लोग ऐसी कंडीशन जो इम्प्रोबेबल असंभव है, आप कहें कि आप ऐसे होते, आप उसकी जगह पर होते, या आपके जैसे निबंध निर्णय कहते हैं कि यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों ही अवस्थाओं में आपको वुड का ही प्रयोग करना है। जैसे कि इफ शी वर इन प्लेस ऑफ यू, यदि वह तुम्हारी जगह होती ऑफ You, she would shawl this। यदि वह तुम्हारी जगह होती तो वह यह शॉल वो करती। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि यदि आपके सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो दोनों ही अवस्थाओं में वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरी तरफ जो इसके मेन क्लॉज होगा उसमें आपके वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल क्लॉजेस, जो हमने देखा कि इफ वाले क्लॉजेस के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है तो दूसरी तरफ विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड कंडीशन इम्प्रोबेबल कंडीशन कहती है कि इफ के साथ वाले क्लॉज में यदि आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरी कंडीशन कहती है कि यदि आपके इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ आपके वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए। तो ये था छोटा सा आपका टॉपिक कंडीशनल क्लॉजेस का, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।